बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शफीक, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इंफोटेक एमएस। अगर आपका एमएस आईडी में नंबर जो है वो गलत है या आप उसको चेंज करना चाहते हैं, खुद ही चेंज करना चाहते हैं, कैसे करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ इसके जो चार्जेस हैं वो आपने इसके चार्जेस ऑनलाइन पे करने हैं, और चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 51 दिरहम चार्जेस हैं इसके नंबर चेंज करने के। तो कैसे करना है, तो आइए मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले आपने गूगल की सर्च बार में जाना है, यहाँ पे ICA लिखना है, UAE ICA स्मार्ट सर्विसेज पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेन पेज होगा, आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने होगा अदर सर्विसेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर अब आ जाता है फाइल टाइप, यानी कि कौन सी फाइल है वो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका आईडी कार्ड की ऑप्शन जो है वो, यानी कि एमएस आईडी की ऑप्शन वो भी आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एमएस आईडी वाली फाइल जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है पासपोर्ट, आपने अपना अपना पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट वही पासपोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद जो है इसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर अब आपने जो है वो अपना नाम जो है यहाँ पर लिखना है। जो आपका नाम एमरस आईडी पे है वही सेम नाम जो है यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही आप एंटर करनी है, जो एमरस आईडी की बैक साइड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होगी। वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद जो है इसके बाद लास्ट एंट्री डेट, यानी कि कौन सी लास्ट डेट पर जो है वो आपने अगेन जो है वो एंट्री की थी यूएई में, इसके बाद जो ऑप्शन है वो है ईमेल। आपने यहाँ पर जो है वो अपनी ईमेल लिखनी है। लिखने के बाद जो है अब आपने ये अब देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। इसके बाद अब आपके नंबर जो मेन चीज़ है, आपने एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही सेम नंबर रहेगा। इस पर एडिट पे फिर अगेन क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपका पहले मेंशन था वो होगा। अब आपने यहाँ पे पुराना नंबर मेंशन करना है। नंबर मेंशन करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एक OTP जो है कोड जो है वो आपके नंबर पर जो है वो सेंड किया जाएगा ICA की तरफ से। तो यहाँ पर अब मैं कुछ सेकंड्स का इंतज़ार करूँगा, मुझे ICA की तरफ से जो है एक कोड जो है वो सेंड किया जाएगा, OTP सेंड किया जाएगा। OTP जो है यहाँ पर मैंने जो है वो OTP मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद जो है मैंने इसको चेक वेरीफाई करना है या चेक OTP करना है। ये आप देख सकते हैं कि OTP मेरी सक्सेसफुली बिल्कुल ओके है। अगर आप इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हो, ठीक नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो है वो आई एम रोबोट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू पे जाएगी, और रिव्यू करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपने सबमिट करनी है। तो आपका एमएस आईडी का नंबर जो है वो फाइल में जो है एप्लीकेशन में जो है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है, तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।